कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की है आलू को यहाँ तक लाने और यहाँ से मंडी पहुँचाने के भाड़े पर सरकार अभी किसानों को पचास रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी देती है लेकिन किसानों का आरोप है कि ये सब्सिडी उन तक पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिक और कारोबारी आपस में इसकी बंदर कर लेते हैं आगरा के किसानों की माने तो 2018 में जिले के किसानों को ढुलाई पर 5 करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई मगर किसानों को महज 4 लाख रुपए पहुंचे रूपए पहुँचे दो सौ भी किसानों को कोल्ड के माध्यम के जरिए जो पैकेट रखा है पैकेट पे उनको देना चाहिए ये दिया है तो ये किसान जो बेचते हैं बीच के व्यापारी को आलू तो वो व्यापारी पे चला जाता है किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर हम यही मांग करते हैं सीएम साहब से भी मांग की तो साहब सीधा किसान को लाभ दिया जाए जिससे कि किसान को कुछ भरपाई हो सके क्यों कि कोल्ड मालिक अपना भाड़ा पूरा ले, ले लेता है राज्य सरकार अपना टैक्स पूरा ले लेती है किसान को क्या मिला आगरा मथुरा हाथरस अलीगढ़ फिरोजाबाद के तमाम आलू किसान अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद में आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं लेकिन कई बार आलू की कीमत इतनी गिर जाती है कि उसकी कुल कीमत से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा हो जाता है ऐसी सूरत में किसान अपनी फसल लेने ही नहीं आते हैं इससे निपटने के लिए किसान अब कोल्ड स्टोरेज के किराए में सब्सिडी देने की मांग कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी सीधा किसान के खाते में या किसान को दी जाए जिससे कि उसका उसके ऊपर जो सवा दो सौ रूपए प्रति क्विंटल का कोल्ड स्टोरेज का भाड़े का बोझ है वो कुछ कम हो सके आलू किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है आलू किसान पहले भी पीएम मोदी को मनी ऑर्डर कर अपनी समस्याओं की तरफ ध्यान खींच चुके हैं अगर इनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो बीते चार साल में बेहाल आलू किसानों को अपने पैरों पर खड़ा हो पाना मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश की आगरा से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस